देखो, कल जो 6 दिसंबर के ताल्लुक से बंद रखा जाता है और तमाम दुकानें बंद रखकर लोग पिकनिक के तौर पे ये करते हैं, कल का जो दिन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये एक अपील किया जा रही है कि इज्तिमा लोहे के अंदर रखा गया है 2 दिन का तबलीगी जमात का। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग इज्तिमा में शिरकत कीजिए। जो 2 साल से कोविड की शक्ल में तमाम जगह इज्तिमाएँ और तमाम दीनी दावत का काम बंद हो चुका था, अल्लाह ताला ने हमको फिर से एक बार मौका दिया है दीन की तबलीग की दावत पहुंचाने के लिए। और तमाम मस्जिद के जितने भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदार है, हमने तमाम लोगों ने एक नज़्म ये उठाया है कि सबको अपने अपने तौर पर जितने भी मस्जिद के कार्यकर्ता भी है तो वो अपनी कल से सुबह से फजर की नमाज से इज्तिमा की शुरुआत हो रही है। तमाम लोग दुआ तक वहाँ शिरकत कीजिए। तमाम लोगों की एक ये ख्वाहिश रहती है कि हम अल्लाह ताला से अपने रब को मनाना है कि जो इज्तिमा हो रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में हो रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 दिन के इज्तिमा हो रहे हैं, तो तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं ख़ास तौर से हमारी गुजारिश रहेंगी कि वहाँ पर तमाम लोग ने पहुँच कर और आलमाए इस्लाम के लिए दुआ कीजिए। तमाम नौजवानों से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद ज़िला स्तर पर जिस तरीके से लोहे के अंदर इज्तिमा रखा गया है, आप तमाम लोगों से जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी ख्वाहिश थी कि आने वाले दिनों में इज्तिमा में हम रहना चाहिए, तो अभी 2 साल के बाद ये इज्तिमा होने जा रहा है, तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से नांदेड़ शहर के अंदर लोहे के अंदर हो रहा है, कल 6 दिसंबर होने के नाते से तमाम लोग एक गम मनाते हैं और अपने अपने कारोबार बंद रखते हैं। और जो बच्चे पिकनिक के तौर पे क्रिकेट खेला जाता है, खेतों में जाते हैं, स्विमिंग पूल पे जाते हैं, डैम में जाते हैं, तो इसी कई किसी जगह नहीं जाते हुए इज्तिमा में शिरकत कीजिए, अल्लाह ताला को मनाइए। और जहाँ जहाँ भी जितने भी अपने जो बच्चे हैं ये कोई किसी के खेल के तरफ ध्यान नहीं देते हुए एक वक्त एक नफिल रोज़ा रहकर अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए कि हमारे मस्जिदें जो वीरान हो चुकी है हम उसको आबाद करने की कोशिश करना चाहिए। आज हमको हमारे तालुके के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर आज हमको जो मौका मिला है दुआ का, और इतने बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, अल्लाह ताला किसी की दुआ कब कबूल हो जाएंगी। जितने लोगों ने दुनिया से जा चुके हैं अपने ख़ानदान के, वो उनकी भी मगफरत के लिए दुआ मांग लीजिए। इसी में तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ, और तमाम लोग कल सुबह फजर से इज्तिमा की शुरुआत हो रही है और 2 दिन का इज्तिमा आप पूरी तरीके से बैठ के सुनिए और उसके ऊपर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला बार बार ऐसा मौका आता नहीं, जब मौका आया है हमें तो हम इसके लिए अल्लाह ताला को मनाने की भी कोशिश करना चाहिए और अपने आप में एक फ़िक्र लेकर चलने की एक आदत बनाना चाहिए। नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्विंस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। क्विंस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी, अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरके, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायती कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए क्विंस 2 बुरखा एंड अंडरगारमेंट्स बाबा पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए नए अबायाज है और स्कॉफ है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको, यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, वैसे देखने के उस टाइप के है हमारे पास हर चीज़।